ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि भोग लगाने की विधि क्या होती है, भोग लगाने के लिए कौन से मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा पाठ का कुछ विशेष ही महत्व है और देवी देवताओं या इष्ट देवता की पूजा विधि विधान से करना बहुत जरूरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विधि विधान से की गई पूजा का पूर्ण फल मनुष्य को मिलता है, इसलिए हिंदू धर्म में भगवान की पूजा विधि विधान से की जाती है। कुछ लोग भगवान की पूजा आरती करके ही निपटा देते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। मित्रों, पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाना भी आवश्यक होता है और भोग भी विधि सहित लगाने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को भोग लगाने की विधि का पता नहीं होता और ऐसे ही अपनी मर्जी से भगवान को भोग लगा देते हैं। अगर आपको भी भोग लगाने की विधि पता नहीं है तो हमारे द्वारा इस वीडियो को जानकर आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान को भोग लगवाया जाता है। इसमें मैं आपको भगवान को भोग लगाने की विधि भी बताऊंगा और भोग लगवाने का मंत्र भी बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आ सके। मित्रों, भोग लगाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि जो वस्तु हम ग्रहण करने वाले हैं उसी वस्तु का भोजन भगवान को लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन से बने हुए व्यंजनों का भोग कभी भी नहीं लगाना चाहिए। भगवान का भोग शुद्ध और सात्विक होना जरूरी है। आप तामसिक भोजन का भोग भगवान को ना लगाइए। आप सात्विक चीजों का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि खीर, लड्डू, सब्जी, भात, दाल, पूड़ी, मठरी, गुड़, इस प्रकार से इन चीजों का भोग आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप फल फ्रूट इनका भी भोग लगा सकते हैं। अब भगवान को भोग लगाने के लिए आप चांदी, कांसे, तांबे, सोने, कांच, स्टील, केले के पत्ते, डाक के पत्ते, इन सभी के बर्तनों के तौर पर इस्तेमाल करके इनमें रखकर आप भोग अर्पित कर सकते हैं। जब भी आप भोग लगाएं, भगवान की प्रतिमा के दाईं तरफ भोजन रखें, बाईं तरफ बिल्कुल भी ना रखें, हमेशा दाईं तरफ रखें, यानी कि राइट साइड में भोजन रखें, तथा साथ में शुद्ध जल का पात्र भरकर अवश्य रखें, यानी एक पात्र में जल भर के अवश्य रखें। इसके बाद शुद्ध जल अपने हाथ में लेकर भगवान के सामने जमीन पर गोलाकार में जल का छिड़काव करें। अब इस गोलाकार में भगवान की प्रतिमा की दाईं तरफ भोजन की थाली रखें। अब अपने दाएं हाथ में जल भरा पात्र लेकर थाली के ऊपर से 3 बार घुमाएं और ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, इस मंत्र का साथ साथ जप करते रहे। इसके पश्चात थोड़े से जल का छिड़काव जमीन पर कर दें। इसी के साथ साथ मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखें कि बिना तुलसी पत्र के कभी भगवान को भोग नहीं लगता, इसलिए जो भी आप उनको भोग लगा रहे हैं उसमें एक तुलसी का पत्ता अवश्य लगा दें। अब भोजन से भरी थाली को अपने हाथ में उठाकर भगवान को भोग लगाएं तथा प्रणाम करें। भोग अंगूठा और उंगली को मिलाकर भोजन को छुआकर भगवान के मुख के आगे लेकर जाएं और उनको खाने के लिए कहें। इसके पश्चात भगवान को जल अर्पित करें तथा भगवान से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद अब जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं उस मंत्र का जाप करते रहें, जिससे कि आपको इस भोग का भी पूर्ण फल प्राप्त हो सके। मित्रों, इसके लिए आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम समानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, इस प्रकार से आसानी से। यह घरेलू मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं दे रहा, यह घरेलू मंत्र बता रहा हूँ ताकि आप रोज भी जप कर सकें और आसानी से जप कर सकें। चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस मंत्र का जप अवश्य कर सके। मित्रों, आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप भोग के समय अवश्य कर लीजिए। सिर्फ इतना करने पर ही आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा, भोग भी मंत्र तथा विधि रहित हो जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ प्रश्न है आपके मन में तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ।
तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।